मूंगफली के स्वाद और उसके गुणों से भला हम में से कौन परिचित नहीं होगा। सर्दियों में छिलके वाली मूंगफली यदि खाने को मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं वह है मूंगफली का पौधा, जिसे हमने अपने टेरेस गार्डन में लगाया था और अभी हमने उसकी हार्वेस्टिंग की है। इसमें लगे हुए बेहतरीन मूंगफली को आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम होम गार्डन में बीज से मूंगफली लगाने से लेकर उसके हार्वेस्टिंग तक के संपूर्ण प्रक्रिया की चर्चा आपसे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्बन ग्रीनरी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले टेरेस गार्डनिंग से संबंधित प्रत्येक नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। मूंगफली को बीज से लगाया जाता है। बीज लगाने के लिए खाने वाली मूंगफली को 12 घंटे तक पानी में भीगने के लिए रख देते हैं। 12 घंटे के बाद मूंगफली को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसे 24 घंटे तक रख देने पर उनमें अंकुरण हो जाते हैं और मूंगफली के बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो जाते हैं। जब मूंगफली के बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो जाएं, तब फिर उसे मिट्टी में लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मूंगफली को लगाने के लिए हम 6 इंच या उससे ज़्यादा हाइट वाले गमले या ग्रो बैग का प्रयोग करते हैं। मूंगफली लगाने के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करते हैं, जिसमें 30% गोबर की खाद, 30% गार्डन सॉयल और 30% कोकोपीट या घर बनाने में प्रयोग होने वाले रेत का प्रयोग कर सकते हैं। 10% में हम नीम खली, सरसों खली या अन्य प्रकार के जैविक या ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अंकुरित मूंगफली के बीज को हम गमले या ग्रो बैग में 4 इंच की दूरी पर लगा देते हैं। यदि हम ज़्यादा चौड़ाई वाले ग्रो बैग का प्रयोग करेंगे तो उसमें ज़्यादा मूंगफली के पौधे एक साथ लगा सकते हैं। मूंगफली के पौधे को मिट्टी में 1 इंच नीचे लगा करके फिर मिट्टी को बराबर कर देते हैं। मूंगफली लगाने का सबसे बेहतरीन समय जून से लेकर जुलाई तक होता है। मूंगफली लगाने के 1 सप्ताह में पौधे अंकुरित हो जाते हैं। मूंगफली के पौधे को खिली हुई धूप काफ़ी पसंद होती है, अतः मूंगफली के पौधे वाले गमले को ऐसी जगह रखनी है जहां 6 से 8 घंटे तक पर्याप्त धूप आती हो। समय समय पर अच्छी तरह से पानी देनी है ताकि गमले में नमी बनी रहे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने छत पर ढेर सारे मूंगफली के पौधे को ग्रो बैग में लगाया है, जिसके पौधे काफ़ी अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। मूंगफली पौधे के रूट में मिट्टी के नीचे बनते हैं। हमें मूंगफली लगाए हुए 90 दिन हो चुके हैं। इसमें से एक मूंगफली के पौधे को उखाड़ कर देखते हैं कि मूंगफली बनी है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि अच्छी मूंगफली बन रही है और कुछ ही दिनों में हमें मूंगफली की अच्छी हार्वेस्टिंग प्राप्त होगी। मूंगफली के पौधे से हमें 100 से 120 दिनों में हार्वेस्टिंग प्राप्त हो जाती है। बीज लगाने के 120 दिनों के बाद हम मूंगफली की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी की मूंगफली हमारे टेरेस गार्डन में हुई है। यदि आप भी इसी विधि से अपने होम गार्डन में मूंगफली के पौधे को लगाएंगे तो आसानी से अपने घर पर ही मूंगफली उगाकर उसकी ढेर सारी हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा और यदि अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं टेरेस गार्डन से संबंधित अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड गार्डनिंग।